हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सामने जब भी आते हैं आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है, आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हो। और आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वॉट एवर, ओके, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके सो गाइस, पूरी तरह कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सॉरी गाइज, मेरा दूसरा भी चैनल है, ओके, आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में डाल दूँगी, वो एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। आप अपने लिए, अपने वर्क से रिलेटेड, या अपने आप को चेंज कैसे करना, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना, उस पर वहाँ पर वैसे वीडियोस हैं, ओके। हो सके तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। एक्वेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सो एक्वेरियस, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के आप यहाँ पर समथिंग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप एक आप डेफिनेटली यहाँ पर चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो जाए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, बट एक ईगो भी आ रहा है, या एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन का वेट कितना करेंगे, ओके, इस पर्सन के लिए कितना रोकेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि हाँ, ये पर्सन के लिए कितना रोके, क्या रखे, हमें भी कोई ना कोई रिस्पेक्ट है, हमें भी हमारा सेल्फ वर्थ है। सो हम अपने आप को भी देखें, अपने अपने जीवन को भी देखें, तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको आप ब्लाइंड हो, आगे क्या होने वाला पता नहीं है। सो डिवाइन कहाँ लेकर जा रहा है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए एक्वेरियस, द सन, आपके पर्सन यहाँ पर ब्राइट सोच रहे हैं, वाह। सो आपके पर्सन यहाँ पर ब्राइट सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यस, ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है, ये डिवाइन गाइडेड है, हमारे जीवन में एक ऐसी एनर्जी आई है कि मे बी ऐसे हो सकता है आप कभी तो भी मिले हो, या हो सकता है आप बहुत कम कम्युनिकेशन करते हो, इसीलिए ये पर्सन भी यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये रिलेशन के लिए ये पॉजिटिव है, बट ये पर्सन भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। इनको भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए, ब्लाइंडली ये भी चल रहे हैं, ओके, कि जजमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए, और ये रिलीज़ कर रहे हैं अपनी टॉक्सिक एनर्जी। अगर इनको कुछ निगेटिव थाट्स या समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन कन्फ्यूज है और कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, ओके। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर पीसफुल एनर्जी चाहते हो, पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हो एक्वेरियस। मैंने कहा ना, ब्लाइंड हो आप, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर सी, आप इस रिलेशनशिप पर आप वर्क करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करना चाहते हो, बट आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो किस चीज़ पर वर्क करें, ये क्वेश्चन है। तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, कभी नर्वस हो रहे हो, कभी सरेंडर कर रहे हो, कभी खुश हो रहे हो, कभी एकदम साइलेंट हो रहे हो, कभी एकदम डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
एक्वेरियस आपकी इम्बैलेंस एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या करने वाला है, डिवाइन क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं। हाँ, पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हो, इस पर्सन को आप सोशल मीडिया पर या देख रहे हो या वॉच कर रहे हो, उनकी वीडियोज़ होंगी या जो भी होगा, सो आप यहाँ पर उस तरह से, बट एक डिटैच, क्योंकि आप अभी चाहते हो कि सीधा सीधा कम्युनिकेशन करें ये पर्सन के साथ में, सीधा सीधा बात करें, और दैट्स ऑल। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, ओके। सो फाइनल बता दो, कुछ तो भी फाइनल बता दो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो एक्वेरियस, सो द सन, द सन को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड। सो गाइस, यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है आपके बिना। एक मिसिंग की एनर्जी ये पर्सन को आ रही है। ये पर्सन अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाना चाहता है। ये पर्सन भी यहाँ पर सी, ये पर्सन भी चाहता है कि आपके साथ में यहाँ पर एक कमिटमेंट दे दिया जाए, ओके। सो ये रेडी, यहाँ पर रेडी होता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये फिर भी आपसे, यानी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप सिक्स ऑफ सॉर्ड्स लेकर बैठे हो, ये पर्सन एट ऑफ कप्स लेकर बैठा है, तो डिस्टेंस है। आप दोनों एक दूसरे को अपने इमोशन ही बता नहीं पा रहे हो, आपकी फीलिंग्स ही बता नहीं पा रहे हो, बस आप अपने अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहे हो या अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, ओके। जो जो रियलिटी है वो शो ही नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर है कि ये पर्सन भी आपके साथ में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन भी अपना एक डिटैचमेंट रख रहा है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन भी उसी तरह एनर्जी सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और देखा जाए तो ये कपल की एनर्जी है, ओके। सो देखा जाए तो ये परफेक्ट कपल है, ये स्ट्रॉन्ग कपल है, ओके। सॉरी गाइस, सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि डिवाइन यहाँ पर देखो दोनों को सेम लेवल पर लाकर रख दिया है। आगे क्या होता है ये तो मिराकल डिवाइन के हाथ में है। सो यहाँ पर है कि एक स्ट्रेंथ, ओके। सो इनर स्ट्रेंथ, ये पर्सन इनर स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ, पेशेंस रख रहा है, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो ये कन्फ्यूजन से तो बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, इस तरह का है, बट ये ना अभी जैसे कि अपने आप को ना पुअर या लो एनर्जी में नहीं रखना चाहता है ये पर्सन। जैसे आप भी स्टक या रुके हुए एनर्जी में या पुअर एनर्जी में आप अपने आप को नहीं रखना चाह रहे हो, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हो कि क्लियर कट बात करेंगे, जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, बट एक बार कम्युनिकेशन तो हो जाए। सो ये पर्सन सेम यहाँ पर लो एनर्जी में नहीं रहना चाहता है, ये चाहता है कि मिसिंग मिसिंग मिसिंग, कितने बार कितने अपने आप को लो करे या कितने बार वही सोचे। सो बेटर वे है कि यहाँ पर हम बात करके कम्युनिकेशन करके निकाल दें, बट दोनों का भी यहाँ पर पता नहीं, दोनों यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, ये एनर्जी है। सो गाइस, यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस, आपके लिए डिवाइन गाइडलाइन क्या आती है यहाँ पर, क्या आउटकम आता है फॉर दिस सिचुएशन, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल आ रही है, सो ये तो इक्वल आ ही रही है, ओके। सो डिवाइन, द हर्मिट, ओके। सो यहाँ पर आपको द हर्मिट का कार्ड दिया है, यहाँ पर है कि एनर्जी इस तरह है कि आपको और पेशेंस रखने हैं, अपने आपको और हील करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, ओके। आप अपने अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए या अपने हार्ट चक्रा को और हील कीजिए, ओके। तब यहाँ पर ये रिलेशन कहीं ना कहीं ग्रोथ, यानी द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि यस, ये सोल लेवल की कुछ ना कुछ एनर्जी है, ओके।
सो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल। सो गाइज, अभी आपको यही कहा जा रहा है ये सिचुएशन में कि आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। ओके, सो जब तक डिवाइन की कोई गाइडलाइन नहीं आती या जब तक कुछ होता नहीं है, ओके, तब तक आपको आपका सोल पर्पस करना है या अपना करियर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी इमोशंस को बैलेंस करना सीख लीजिए। ओके, सो ये यहाँ पर है, अपनी स्टेबिलिटी कीजिए, अपना वर्क कीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक सही समय या राइट डायरेक्शन, राइट टाइम, एवरीथिंग जो भी नहीं आता है तब तक कोई भी एक्शन आप ना लें। ओके, अपने आप के लिए ओपन अप हो जाए, खुलकर जिए। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर एक्वेरियस, एंजल की तरफ से गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सो आपको वही कहा जा रहा है जो मैंने अभी कहा कि आपको आपको खुद को, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव, हैव अ कॉन्फिडेंस। ओके, चैलेंज दोज इन अ पावर बट ऑल्सो यू चूज बैटल वाइजली। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड अप होना है। पेज ऑफ अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो भी है वर्क आपका जो भी है हैंडल कीजिए, आपका आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, आपका फाइनेंस, एवरीथिंग, बहुत कुछ। आप मल्टी जो भी चल रहा है, आप शायद जो भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर जो है इमोशनली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आप पेशेंस रखिए और यहाँ पर आप इनर स्ट्रेंथ रखिए, ये यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये यही बताता है कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, सो अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ओके, सो आप प्लान कीजिए फ्यूचर के लिए। वाह, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो बहुत सारी बातें आपके लाइफ में होने वाली है अभी। ओके, सो अब चेंजेस आ रहे हैं और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन, यानी अगर ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आएंगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।